आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अगर हमें क्वेश्चन दिया है कॉलम वन कॉलम सेकंड, तो हमें करेक्ट मैच इसका निकालना है इन दोनों को कि कौन सा करेक्ट मैच होगा। तो हम जानते हैं हीलियम इज़ द नोबल गैस, तो नोबल गैस की फुलफिल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है हीलियम इज नोबल गैस एंड इसकी फुलफिल कन्फिग्रेशन होती है 1s2 और ns2। तो इसकी आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज आयनेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इसकी हाइस्ट आयनेशन एनर्जी होगी, और क्लोरीन की हमारी होती है हाइस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्लोरीन हैज़ हाइस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेता है, दैट इज Cl- अब इसने ऑर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड कर ली, तो क्लोरीन की हमारी हाइस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। जो हमारा कैल्शियम है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, बिकॉज ये एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दिस इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक का एलिमेंट है अर्थ मेटल। एंड चौथा हमारा लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ये सबसे ईजिली दूसरों को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग एजेंट एंड खुद ऑक्सीडाइज होता है अमंग द गिवन स्पीसीज। तो हमारा जो करेक्ट मैच है ये करेक्ट मैच हो गया। तो करेक्ट मैच होगा हमारा ए का होगा फोर्थ, बी का होगा फर्स्ट एंड सी का होगा सेकेंड एंड डी का होगा थर्ड। तो ये हो गया हमारा करेक्ट मैच। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।